डाल दो। इसका घी निकलेगा, घी निकाले फिर बाद में खाओगी तुम ही खाओगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के लगभग 3 बज गए ना। आज 12 बजे ही काम से आ गए थे। और अभी ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इतना धूप लगता है, गर्मी घर के अंदर बहुत होती है और रात में काफी गर्मी होती है। तो आज हम सोच रहे हैं जो हमारा पुराना वाला पंखा रखा है ना, उसी को हम सेट कर लेते हैं, आज लगा लेते हैं। और ये सौर ऊर्जा छोटा सा है, इसी से छोटा बैटरी है तो वो चार्ज हो जाता है। तो उसी से बढ़िया हमारा पंखा चलता रहता है ना। और बिटिया कहाँ चली गई? देखो बेटी आ जाओ, आ जाओ, इधर थी छोड़ दी इधर, लेकिन उधर चली गई तुरंत। और आज हवा चल रही है, नहीं तो हवा नहीं चलती है, आज हवा काफी चल रही है। आ जाओ बिटिया, आ जाओ। बिटिया को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है रात में, तो हम सोच रहे पंखा बना लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं और जहाँ पर मतलब लगा लेंगे अच्छे से ना। पंखा लगाना है बेटी, चलो चलो आ जाओ। पंखा कहाँ पर है? बैठा ना, हम निकालते हैं। वो रखा है दोस्तों, पंखा कोने में एकदम, निकालो चलो भाई। जाओ चढ़ के जाओ, इसकी हवा डुला दे। दिखाओ देखो, अंदर ज्यादा गर्मी लगती है ना। अभी उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, मतलब कच्चा घर है ना तो ठंडा आता है। आराम से आराम से, बस। और ये है पंखा। और इसी को सेट करेंगे आज यहीं पर कहीं पर ना। कि मतलब पूरी चारपाई में बराबर हवा जाए, है ना। बेटो हवा लगेगा, चलो इसको पोंछ लेते हैं। बताऊं क्या? इसको एक गीला कपड़ा करके और एक सूखा कपड़ा से बढ़िया पोंछ देते हैं। बाहर आ जाओ, बाहर बढ़िया रहेगा, ये धूप है ना। आ जाओ, छोटा सा कपड़ा लिया हो कोई उस तरह का? छोड़ दो। हाँ नहीं सुनो तो, इसको पहले चेक कर लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है, फिर बाद में पोंछेंगे। हाँ वो चेक कर, इसको पहले देख लेते हैं दोस्तों चलता है कि नहीं, जो नहीं चलेगा तो चेक करते हैं। जब चेक करो ना, जैसे लगा दो मालूम पड़ जाएगा। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ये इधर 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 ये तार है एक ठो, ये चिमटी है ना, ये चिमटी लटकी है ना, ये यहाँ के सामने इसमें लगाओ, एक ऊपर चिमटी उसमें लगाओ। लगा ऊपर, मैंने वो रहने दो, चल रहा है, चल रहा है, हवा भी आ रही है। ये देखिए बहुत तेजी से हवा आ रही है। अरे हाँ, पंखा बढ़िया घूम रहा है, मस्त, मतलब सही है ना। हटा दो उसको, ऊपर लगा दो, बस छोड़ दो, पंखा घूम रहा है। अभी ना टाइम ज्यादा हो गया है तो ज्यादा पावर नहीं सौर ऊर्जा बना रहा है, जब ज्यादा पावर बनाएगा तो बहुत तेज घूमता है पंखा। और कल बैटरी भी पूरा उतर गया था तो बैटरी भी चार्ज। चलो लाओ फिर वो कपड़ा लाओ, कोई भी पानी लाते हैं, ला दो, हम इसको साफ कर देंगे। वहाँ का पानी नहीं है, पानी लेके आना पड़ेगा ना, पानी भी खत्म होगा, अब इससे पूछ लेते हैं। पानी लाना पड़ेगा दोस्तों, पानी भी खत्म है घर का। कोई कपड़ा ले लो ना, एक नहीं तो कोई ये देखो फटी है, कोई सल्ट नहीं, पूरा फटा है, फटा है, देखो ना कैसी सल्ट है, आधी पूरी फटी। लाओ एक कोना से गीला करके पोंछ लेंगे। हाँ एक कोना से पूरा साफ, एक कोना से ऐसे कर देंगे, जा रहा है रहना है इसको, उसको रहने दो, तुम जहाँ जहाँ वो है ना वही वहीं पर पहुँच दो। सफा है वैसे, ज्यादा वो नहीं है ना। हाँ, कपड़े से फटकार दिए हैं। हाँ, दबा रखा था, ये लग जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी काम पे चले गए तो सौर ऊर्जा भी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाया। और अभी तो पैर में रखे तो कितना पावर होगा उसमें, कितना होगा, फिर भी अभी काफी घूम रहा है ना। हाँ।
गया ना, साफ हो गया, पहुंच दिया। माचिस नहीं बेटा, इधर थोड़ा पहुंच दो, इधर अंदर भी पहुंच दो। हां इधर ज्यादा सर्दा है, देखो अंदर कैसा है पूरा। बस ना, हाँ ठीक है, अब लगा लेते हैं। हाँ चलो चलो दोस्त, अब इसको लगा लेते हैं, पंखा को सेट कर देते हैं ना। माचिस दे बेटा, माचिस नहीं बेटे, माचिस दे दो मम्मी को, पूरे सीका निकाल लेते हैं। ले लो तुम, ले लो पानी, हो नहीं तो माचिस सी मांगे। हाँ सीका माचिस, चलो बेटे पहले देखते हैं, इसको रख देते हैं। कहाँ लगाएंगे जी, कहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाए नहीं लगाएंगे? सुनो तो सुनो, यहाँ इधर, इधर लगाने से क्या होगा, इधर बैठ के खाना खाएंगे तो लगेगा। यहाँ पर का सोच, इधर का इतने में मतलब हमको हवा चाहिए दोस्तों, हाँ। ये पूरा चार पाई मेहनत चाहिए, तो इधर में सोचो कहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर इधर की उधर। कमजोर है पहले पंखा को लग चेक करते हैं, अच्छा रख के पकड़ो तो थोड़ा सा, ऐसा इधर लगाएंगे तो बहुत नीचे हो जाएगा। हाँ। इधर लगा, इधर पकड़ो थोड़ा सा, हाँ। यहाँ पर कुछ सही दिख रहा है, पकड़ो तो इधर देखते हैं कैसा बनेगा, ऐसा लगाएंगे तो ऐसे, हाँ सीधा रखो, ये सही रहेगा ना। हाँ, हमें लग रहा है बना दो। हाँ पहले बनाते हैं, हाँ। और फिर चालू करके देखते हैं ना, हाँ जी कैसा रहेगा। हाँ। तो लाओ फिर कुछ बांधने के लिए दे दो, हम देते हैं। है क्या? हाँ। हाँ ये कपड़ा सही रहेगा, हाँ। ना, हाँ। तो इसको पहले फाड़ो तो, हाँ सी लाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे काटेंगे, लंबा लंबा काटो, इधर से काटो, इधर से देखो देखो, और तीन चाहिए, तीन, हाँ एक और काटो पहले, ठीक है एक और, तीन चार चाहिए लेकिन तीन तो बस पहले काट लेते हैं, बाद में अगर कम पड़ेगा तो और कर लेंगे, हाँ। कभी गिरे गिराए अच्छे से बांधना पड़ेगा ना, तीन धागा से अच्छे से बांधेंगे दोस्तों, क्योंकि पंखा है मतलब कभी गिरना नहीं चाहिए ना, हाँ। तो चलो फिर इसको बांधवा दो, तुम पकड़ना है, हाँ। हम इसको बांधते हैं, पहले बांध देंगे अच्छे से। तो चलो दोस्तों अभी इधर हम सेट करते हैं, करते हैं पूरा बढ़े ना, अच्छे से बांधते हैं इसको बेटा, आओ उधर चलो आओ, हाँ ये हाँ, ये हाथ में ऐसे पकड़ो, खेल कर रहा है, खेल कर रहा है, तुम पकड़ो तो पकड़ो, हाँ पकड़ के रखना, पकड़ो कस के बेटा, बेटी दो कपड़ा दे दो, हाँ देख 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 बांधना, बैठो देखो जी, आओ थोड़ा उठाओ, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बस ऐसे, हाँ 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 ठीक है, इतने में रखो, ठाठ में बांध रहे हैं पंखा, दिखाओ पहले थोड़ा सा, एक तो बन गया, बस अब छोड़ दो तुम थोड़ा सा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा पकड़ना ऐसा करके, मतलब ज्यादा मत पकड़ना थोड़ा सा, ये देखो बन गया, देखो हो गया ना, हाँ, चालू तो करो, अरे जाओ तो पहले सही है ना, हाँ। थोड़ा बहुत हालेगा तो चलेगा, गिरेगा ना, इधर से मजबूत बांधा है, हाँ। उधर से भी मजबूत से बांध दिया और इधर से भी बांध दिया, तीन जगह से बांधा है, सही है। अब हवा तो हमें लग रहा है एकदम फिट देगा इस हिसाब से पूरे में ना, ले बेटा और चलो इसको चालू करके देखते हैं पहले, हाँ। अब फिट है ना, हाँ। अब इसको चेक करते हैं और फिर देखेंगे हवा बराबर जाता है कि नहीं जाता ना, चालू कर दो तो, चलो इसको लगाओ तो चालू कर लो, एक एक तो एक ठोमी दिखा दो, नहीं एक एक में तुम लगाओ, कौन सा है लगाओ, ऐसे मालूम पड़ जाएगा हवा चलेगी ना, हाँ। अब अच्छे फंसा दो उसको, थोड़ा कस के लगाओ, हाँ। देखो घूमने लगा, हाँ। हाँ। पंखा बढ़िया जोर से घूम रहा है, ये देखिए दोस्तों, हम भी बैठ जाते हैं। और थोड़ा देर हो गए ना चालू किए, मतलब
बैटरी में लगाए तो बैटरी भी थोड़ा चार्ज हो गया है। हवा हवा एकदम बढ़िया फेंक रहा है पंखा। हटा हम इस तरफ नहीं आ रही, इस तरफ आ रही है। हवा तो आ रही है हाँ। हवा फूला रही है दोस्तों, एकदम हमारी तरफ को फोकस है, हमारी तरफ नहीं आ रही मतलब इतने में ही आएगा। देखो ज्यादा तो नहीं आएगा वो, क्योंकि जितना बड़ा पंखा है उतना ही आएगा ना, पैर तरफ नहीं आएगा। लेकिन मस्त है इतने हाँ। में समझो अगर पैर तरफ तो नहीं जाएगा लेकिन बीच से इधर तक रहेगा हवा हाँ। ये देखो आ रहा है हवा, फिट है ना, मिट्टी लेटा, मिट्टी लेट के हवा ले पहले लेटा दो सही से, लो तुम लेटा जैसा है सिगरेट जैसा तो हवा आ रही है बढ़िया। पंखा दोस्तों एकदम फिट हो गया हमारा और अब खोलना मुंदा नहीं पड़ेगा, हवा मस्त आ रही है और कोई कमी नहीं है पंखा में, बढ़िया घूम रहा है। और अभी हवा लग रही है तो कैसे पैर फैलाए पड़ी है। और अभी ज्यादा टाइम है मतलब दोपहर नहीं है ना, अभी नहीं। अगर सुबह में चार्जिंग में लगाए होते तो और ज्यादा घूमता हाँ। और हवा आती, लेकिन अभी उतना ज्यादा हवा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना हाँ। गर्मी से बचने के लिए अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा हवा लगेगा तो सही रहेगा। चलो अब इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाएगा ना, सही बंद कर। आज तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है बाहर भी हाँ। और इतना हवा चलेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है ना हाँ। तो हम जाए फिर पानी भरना है हाँ, पानी नहीं है दोस्तों घर पे, एकदम खाली है, ये बाल्टी भी खाली है, थोड़ा सा पानी है और बाहर फुग्गा भी दोनों खाली पड़े, ये भी पूरा खाली है और ये भी सब खाली है, ले लो। दोनों ले जाते हैं, हम जा रहे हैं नेनू रख दे, नेनू तुम रख दो, हम पानी हाँ। जो हमारा नेनू रखा है दोस्तों घी बनाने का हाँ। तो जया जी उसको आज सिरवाएंगी हाँ, तो तुम सिरवा लो, हाँ जा रहे हैं कहीं नहीं जाना तो सिरवा हाँ, ठीक हम आते हैं पानी भर के हाँ। तो चलो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पानी भर लाते हैं, गेहूं पूरा सूख गया है दोस्तों और गेहूं का कटोई भी चालू हो गया है, कल परसों से बराबर कटोई चल रहा है, पूरा सूख गया है और जो भी बचा है दो चार दिन में वो अभी पूरा सूख जाएगा। और बोर आ गए हैं दोस्तों, ये रहा बोर और इसी में भर लेते हैं पानी, तो भर लेते हैं इसको, कोई पानी लगाने के लिए छोड़ रहा है, चलो दोस्तों पानी भर गया है और अभी चलते हैं घर। हो जाएगा ना, पानी लिया है दोस्तों और आते ही बिटिया ने गोगोरा चालू कर दिया, गोरना चालू ले बैठ, देखो कितना हाथ सांध लिया, पूरा हाथ भिजा लिया इधर से लेके इधर तक हाँ। और पानी मांगते खल भलाने के लिए, पूरा हाथ घुसे के खल खल बल करेगी बस बस बस। और टप बड़ा सा टप लेना था तो अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिटिया ना तो पानी के पास ही जाती है, बार बार खल भलाती है, मुँह धो रही है, मुँह धो रही आ जाओ चल, धूप है तो ठीक है अभी सूख जाएगा, लो इधर खेलो, अब उधर मत जाना है, ध्यान रहेगा तो जाएगी उधर, क्या कर रही है तुम, घी शुरुआत होगी ना हाँ। तो अभी दोस्तों घी शुरुआत आ जा रहा है हमारे यहाँ पर, वो परसों नरसों के दिन माठा भाई थे ना हाँ। परसों नरसों ना हाँ।
कई दिन हो गए तो उसका नैनू अभी तक रखे, दो तीन दिन हो गए अभी तक नैनू रखा है, उसका माठा नहीं बनाए, माठा नहीं वो घी नहीं बनाए है, क्योंकि मतलब काम ज्यादा पड़ जाता है इस टाइम में, टाइम नहीं मिल पाता है, काम ज्यादा पड़ जाता है। अब इस टाइम आज कहीं नहीं जाना, आज काम पे नहीं जाना है, अगर आज भी जाते तो फिर ये होता कि शाम को आते। ये नैनू है डाल देते, अबे घी करवाया जा रहा है, बाद में खाना है, डाल दो, इसका घी निकलेगा, घी देखो तो पहले आके फेना गायब होने लगा, फेना गायब हो गया तो थोड़ा सा और रहेगा, अभी ये भी चला गया तब होगा। हाँ ये पूरा फेना एकदम से हेरा जाएगा ना। हाँ थोड़ा सो ले आते हैं, भात बना लेंगे शाम को, क्या बनाएंगे ले आओ, बन गए ना, पक गया घी बन के तैयार है ना। अभी कितना घी बना है इसमें, काफी है ना। हाँ। कई दिन के लिए बिटिया खिलाने के लिए हो गए, कई दिन के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ। और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ। चलिए दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।